हाय गाइस, मेरा नाम है अमित और आपका स्वागत है ई पेट्रॉन योर इंटरनेट बड़ी में। फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुई एक्शन स्काई फाई मूवी द टुमारो वॉर के ऊपर वीडियो बनाई थी, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। टुमारो वॉर में प्रेजेंट टाइम के ह्यूमन फ्यूचर में वॉर लड़ने जाते हैं अगेंस्ट इन्वेडिंग एलियन स्पीसीज व्हाइट स्पाइक्स के। ये काफी एंटरटेनिंग मूवी है और इस चैनल पे दोनों व्हाइट स्पाइक्स एंड टुमारो वॉर मूवी स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो अवेलेबल है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2014 में आई अमेरिकन मेक्सिकन को प्रोडक्शन हॉरर मूवी लेट फेजेस की। ये एक लो बजट वेयरवुल्फ मूवी है, बट यकीन माने इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, और अगर इसे एक बढ़िया बजट दिया जाता तो शायद ये काफी सक्सेसफुल भी हो सकती थी। ये मूवी नाइट ऑफ वुल्फ लेट फेज के नाम से भी जानी जाती है। फ्रेंड्स, वेयरवुल्फ पे भी ऑलरेडी दो वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, वेयरवुल्फ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स एंड 9 मस्ट वॉच वेयरवुल्फ मूवीज। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लेट फेजेस मस्ट वॉच 9 वेयरवुल्फ मूवीज में से ही एक है, और जल्दी मैं अपने चैनल पे इस लिस्ट की मूवीज एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट फेजेस की करंट आईएमडीबी रेटिंग है 6 out of 10 स्टार्स। इस वीडियो में मैंने मूवी के प्लॉट को डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं प्लॉट समरी की। मूवी की शुरुआत में हमें विल को दिखाया जाता है जो अपने फादर एम्ब्रोस मैकिनली को रिटायरमेंट होम छोड़ने जा रहा था। ये रिटायरमेंट होम एक जंगल की एज पे था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट होम स्पेशली डिजाइन घर होते हैं जो कि ओल्ड पॉपुलेशन के लिए होते हैं। एम्ब्रोस एक ब्लाइंड वियतनाम वॉर वेटरन था, और इसलिए एम्ब्रोस ने अपने साथ एक हेल्पर जर्मन शेफर्ड डॉग रखा था। मैं आपको बता दूं, अक्सर ब्लाइंड लोग अपने साथ एक हेल्पर डॉग रखते हैं जो कि उनकी आईज की तरह काम करता है। एम्ब्रोस को अपने घर में घुसते ही एक नाखून वॉल में गड़ा हुआ मिलता है, जो एम्ब्रोस को काफी स्ट्रेंज लगता है। ब्लाइंड होने के बावजूद भी एम्ब्रोस काफी इंडिपेंडेंट पर्सन था, और जिसकी वजह से उसकी आसानी से किसी से बनती नहीं थी। रिटायरमेंट होम मूव करते वक्त ही एम्ब्रोस की मुलाकात वहां की रेजिडेंट से होती है, जिनमें से 3 औरतें ग्लोरिया, एना एंड एमा उसके व्यवहार से काफी अपसेट हो जाती हैं। बट उसके साथ वाले रिटायरमेंट होम में रहने वाली डोलोरस से एम्ब्रोस की अच्छी मुलाकात होती है। उसी रात फुल मून भी होता है, और आपको तो पता ही है फुल मून पे वेयरवुल्फ शिकार पे निकलते हैं। ऐसा ही इस रात भी होता है, और वेयरवुल्फ की पहला शिकार बनती है एम्ब्रोस की नेबर डोलोरस। बट इस अटैक की आवाज सुनकर एम्ब्रोस और उसका डॉग भी वहां पे इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वेयरवुल्फ का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो उनके घर में घुस जाता है। गेट पे घुसते ही एम्ब्रोस का डॉग वेयरवुल्फ अटैक कर देता है। जब तक एम्ब्रोस अपनी गन को लोड कर पाता तब तक वेयरवुल्फ वहां से भाग जाता है। बट एम्ब्रोस का डॉग काफी घायल हो जाता है, जिसकी वजह से एम्ब्रोस को अपने डॉग को शूट करना पड़ता है ताकि वो उसकी सफरिंग को खत्म कर सके। अगली सुबह पुलिस एम्ब्रोस के डॉग और काफी बुरी तरह मरी हुई डोलोरस की लाश को देख के भी इसको एक भालू के द्वारा किया गया अटैक बोल के वहां से चली जाती है। पुलिस रिटायरमेंट एरिया पे इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस थे और वो रिटायरमेंट एरिया उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। पुलिस से हेल्प ना मिलने के बाद एम्ब्रोस खुद ही इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लेता है। एम्ब्रोस को पुलिस से पता चलता है कि रिटायरमेंट होम के एरिया में एक और मर्डर हुआ है, और एरिया में कुछ डॉग्स भी मिसिंग है जो जंगल में गए पर कभी वापस नहीं आए। बट एम्ब्रोस को अंदाजा हो गया था कि रिटायरमेंट एरिया में एक वेयरवुल्फ है। पिछले अटैक में एम्ब्रोस ने वेयरवुल्फ की सांसों में एक अजीब सी साउंड नोटिस की थी। एम्ब्रोस अपने घर के बाहर ब्लड ट्रेल को फॉलो करता है, जो कि ग्लोरिया के घर तक जा रहा होता है। एम्ब्रोस ग्लोरिया के घर में जाता है, वहां उसे ग्लोरिया के हस्बैंड मिलता है, जिससे एक अजीबोगरीब ब्रीदिंग साउंड आ रही थी। बट ग्लोरिया उसे बताती है कि उसका हस्बैंड एक आयरन लंग में है, जो कि एक तरह का मैकेनिकल वेंटिलेटर है, जिसकी वजह से ये आवाज आ रही है। एम्ब्रोस से गलती से वो मशीन अनप्लग हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोरिया उसे अपने घर से निकाल देती है। एम्ब्रोस एक बहुत महंगा टूमस्टोन यानी कि कब्र का पत्थर लेता है अपने डॉग के लिए। जब एम्ब्रोस अपने डॉग के लिए अपने बैकयार्ड में गड्ढा खोद रहा होता है, वहां वेयरवुल अपने इंसानी रूप में आता है, जिसपे एम्ब्रोस अटैक कर देता है, बट वो वहां से भागने में कामयाब रहता है। रिटायरमेंट होम के रेजिडेंट एम्ब्रोस के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एम्ब्रोस की इन्वेस्टिगेशन से काफी डिस्टरबेंस हो रही थी। उसके बाद सेम पुलिस ऑफिसर एम्ब्रोस को वार्न करते हैं कि उसे वहां पे इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, वो बेहतर होगा कि वो चर्च में अपना टाइम दे। एम्ब्रोस इसे अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का एक अच्छा मौका समझता है, क्योंकि वहां रिटायरमेंट होम के सारे लोग मौजूद होंगे और एम्ब्रोस बिना किसी रोक टोक के उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एम्ब्रोस जब चर्च की शटल में ट्रेवल कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात होती है चर्च के पास्टर फादर रोजर स्मिथ से, जिसपे एम्ब्रोस का शक जाता है, क्योंकि उनकी ब्रीथिंग से भी एक अलग सी साउंड आ रही थी जो वेयरवुल्फ की सांसों से मिलती जुलती थी। फादर रोजर्स का कहना था कि सालों तक स्मोकिंग करने की वजह से उनकी ब्रीथिंग से ये साउंड आ रही है। एक बार फिर ग्लोरिया, एना और एमा की कंप्लेंट के बाद एम्ब्रोस को शटल से हटा दिया जाता है। अब एम्ब्रोस एक और रेजिडेंट जेम्स के साथ कार पूल करके चर्च के लिए जाता है। चर्च से घर वापस आते वक्त एम्ब्रोस जेम्स को फादर रोजर की बुराई करने लगता है। इसकी वजह से जेम्स काफी अपसेट हो जाता है और उसे अस्थमा का अटैक
अटैक होता है और उसकी ब्रीदिंग एग्जैक्टली वैसे ही होती है जैसे कि वेयरवुल्फ की थी, जिसकी वजह से एम्ब्रोस का शक पूरी तरह जेम्स पे चला जाता है। एम्ब्रोस एरिया की गन शॉप पे जाता है और गनस्मिथ को सिल्वर बुलेट्स बनाने को कहता है। वहां उसे पता चलता है कि उससे पहले जेम्स ने उस शॉप से सिल्वर बुलेट परचेज किए हैं, जिससे एम्ब्रोस का शक यकीन में बदल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जेम्स की बॉडी पे डॉग बाइट्स हैं और उसने अपने फर्नेस में काफी सारे डॉग्स की डेड बॉडी को बर्न करने के लिए रखी हुई है। अगली फुल मून की रात से पहले एम्ब्रोस अपने डॉग को अपने बैकयार्ड में बरी कर देता है। दूसरी ओर जेम्स को भी यह अंदाजा हो जाता है कि वो अकेला एम्ब्रोस को नहीं हरा पाएगा, तो वो ग्लोरिया, एना, एमा और एमा के हस्बैंड बेनेट को काट के वेयरवुल्फ बना देता है। फुल मून की नाइट जेम्स फादर रोजर को बताता है कि वो एक वेयरवुल्फ है, बट रोजर उस पर बिलीव नहीं करता और देखते देखते जेम्स फादर रोजर के सामने ही वेयरवुल्फ बन जाता है और वहां से भाग रहे फादर रोजर को मार देता है। दूसरी ओर एम्ब्रोस ग्लोरिया के घर पे जाता है तो वहां उसके हस्बैंड को मरा हुआ पाता है और एम्ब्रोस समझ जाता है कि ये किसी वेयरवुल्फ का ही काम है। एम्ब्रोस घर जाके सिल्वर बुलेट से गन को लोड करने लगता है और अपने बेटे विल को फोन करके अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। और अभी अभी वेयरवुल्फ बने ग्लोरिया, एना, एमा और बेनेट एम्ब्रोस के घर पे अटैक कर देते हैं। अपनी हीलिंग एबिलिटी को यूज करके एम्ब्रोस इन चारों को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। एम्ब्रोस जेम्स को अपने बैकयार्ड में मारने के लिए कामयाब रहता है, बट खुद भी मारा जाता है और जेम्स एम्ब्रोस को मरने से पहले काट चुका था। विल अपने फादर की कॉल सुन के वहां आता है और उसे वहां पे कुछ डेड बॉडीज, एक बॉडी जो कि वेयरवुल्फ फॉर्म में थी, दिखाई देती है। एम्ब्रोस ने इस फाइट से पहले ही अपनी दवाइयों का ओवरडोज किया होता है ताकि वो वेयरवुल्फ ना बन सके। अगले दिन एम्ब्रोस को सोल्जर द्वारा बेरियल दिया जाता है और विल गन को मून पे एम करके शूट करता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की और मैं इस मूवी को दूंगा 3 out of 5 स्टार्स। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की तो ये बिल्कुल एंटरटेनिंग है और अगर आप मेरी तरह वेयरवुल्फ फैन है तो ये मूवी एक बार देखना तो जरूर बनती है। अगेंस्ट ऑल ऑड एम्ब्रोस वेयरवुल्फ्स को मारने में कामयाब रहता है, साथ ही वेयरवुल्फ कर्स को भी रोकने में कामयाब रहता है। ये कि बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है इस मूवी का। अगर मूवी की खामियों की बात की जाए तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन इस मूवी की है इसका बजट। इसकी वजह से वेयरवुल्फ कॉस्ट्यूम्स में उतनी डिटेल नहीं है जो कि डाली जा सकती थी विद अ बेटर बजट। बात करें वॉचिंग सोर्सेज की तो इस मूवी का इंग्लिश वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, और अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आती है तो डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स फॉर इंप्रूवमेंट। अगर बात की जाए वॉचिंग रिकमेंडेशंस की, अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको सिल्वर बुलेट और बैड मून जैसी मूवीज को रिकमेंड करूंगा और ये भी बहुत जल्द इस चैनल पे आने वाली है। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।